अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम दो चीजों का कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक मैग्नेट हो, और मैंने क्या बताया था, मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड और कौन क्रिएट करता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो, लूप हो, लूप हो तो बेटर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। मैग्नेटिक जिस तरह से एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ऐसे ही जब मैंने करंट कैरिंग लूप बनाया था इस तरह से, तो याद है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही आया था इस तरह से लगभग। तो इफ दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल देन दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैंने ये भी बताया कि इस तरफ से आपको नॉर्थ दिखाई देगा और इस तरफ से आपको साउथ दिखाई देगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो सब लोग, अ करंट कैरिंग लूप, हो सकता है मैं लिखा चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, अ करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अ करंट कैरिंग लूप कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ब्रैकेट में लिखना अ मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, समझ रहे हो, एक बार वायर को घुमाया, दो बार, तीन बार, दस बार, रिंग है लेकिन रिंग को दस जगह, दस बार वायर को लपेट सकते हैं ना सेम जगह पर। तो इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इन द लूप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना ज्यादा करंट होगा बच्चों, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ में आती है बात, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। इसको क्लियरली लिख लेना, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ लूप। एरिया वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया के परपेंडिकुलर लाइन को एरिया वेक्टर ले लिया करेंगे। कोई आया या कोई गया, तो इसमें कम डिस्कनेक्ट हो रहे हो तुम लोग, एक दो तीन चार पाँच छः, दो एब्सेंट है, छः प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हटा दूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम लोगों को याद करना है, चलो इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट में चार फॉर्मूले मैंने सिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सियल पोजीशन, याद है किसी को तो बताओ, इतनी देर में बोल देना चाहिए था, 2kp/r³ एक्सियल पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएगा, दोबारा से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डिराइव किया था, सेम फंडा यहां लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन हो जाएगा 2, वहां पर कांस्टेंट के था, यहां पर कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4π, 2kp की जगह यहां पर हो जाएगा m, और r³ तो r³ ही रहेगा। क्या आप लोगों को एक्सियल पोजीशन याद है, एक्सियल पोजीशन मतलब मैग्नेट के अपने एक्सिस पर एक पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा हमने, ये जगह की कमी पड़ रही है पर तुम समझ जाना, एक्सियल पोजीशन मतलब मैग्नेट के अपने एक्सिस पर, इस एक्सिस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ओके। दूसरा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, किसी को याद है बताओ, हद दर्ज के नालायक, -kp/r³, अब याद आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल। बच्चों ये सेट ऑफ फॉर्मूला आपको दो चैप्टर में नंबर दिला सकता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -μ0/4πm/r³, ओके। और कौन से फॉर्मूले लिखे थे, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला था पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एन कैप। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां भी बनेगा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसका हो जाएगा फॉर्मूला पी की जगह एम क्रॉस ई की जगह बी, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा।
पर हाँ ये दो तो रखने पड़ेंगे, ये चार मतलब आपको एकदम याद होने चाहिए। मैंने इनके प्रूफ बताए हैं, और अगर वो प्रूफ आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तब भी चल जाएगा। बहुत ही खतरू सा फॉर्मूला याद दिलाया था, कराया था होगा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ रेंडम डायरेक्शन, याद है? याद है किसी को? केपी बाई हाँ, केपी बाई आर क्यूब, एक सेकेंड बटन दबा दिया, क्रैश ना हो जाए। नहीं वो एरर आ गया, सॉरी। क्लोज ये कहाँ से आ गया? हाँ, केपी बाई आर क्यूब, यहाँ तो जगह ही नहीं है मेरे पास। हाँ लिखूँ, बाकी लोगों को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये केपी बाई आर क्यूब 1 + 3 cos² θ, याद आया बच्चों? बहुत मेहनत की थी, डांट भी पड़ी थी किसी की तुम में से। इसका डेरिवेशन में मैग्नेटिक फील्ड एट अ रैंडम पोजीशन क्या हो जाएगा? के की जगह म्यू नॉट बाई 4 π, पी की जगह एम बाई आर क्यूब, ब्रैकेट 1 + 3 cos² θ। तो चूंकि ये दिखने में एक जैसे है, इनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, तो इनके चारों फॉर्मूले जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिखे थे वो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी लिख सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। इसका एक आध फॉर्मूला आएगा ही आएगा, इन 7-8 में से एक फॉर्मूला पक्के से फंसेगा। क्या फिनिश? चॉकलेट फिनिश हो गई। आपने मुझे नहीं खिलाई, मुझे आइडिया आई। तुम्हें आइडिया आई? क्या आइडिया आई? लोगों को कितनी दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है? अभी सुनाई दे रही है? क्या बोल रही है? चेयर के नीचे ढूंढ रही है, पता है तुम? फ्रिज के अंदर चेक कर, फ्रिज के अंदर। हाँ ये लिखिए। ये किस चीज की आवाज आती है बार बार मुझे? कोई एक्शन गेमिंग यस सर बोल के निकल लिया है तो? अगर तुम रिकनेक्ट करते हो तो मुझे फिर से परमिट करना पड़ेगा या खुद से हो जाता है? हो जाता है ना खुद से? अच्छा, हाँ आ गया। ओके, तो मैंने अभी अभी जो फॉर्मूले लिखा है वो ये थे। ये बार बार ना दोनों बनाने में बड़ा आलस आता है, पर तुम समझ जाना कि या तो मैग्नेट की बात हो रही होगी या करंट कैरिंग कॉइल की बात हो रही होगी, ठीक है? या तो नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट की बात हो रही होगी या करंट कैरिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स ए एरिया की बात हो रही होगी। इनकी वजह से एक्सियल पोजिशन पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है हमको, ठीक है? किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर किस तरफ होगा मैग्नेटिक? पीछे की तरफ होगा। ओके, और रैंडम पोजीशन पर किस तरफ होगा? अंदाजे से तुम समझ सकते हो इस तरफ होगा। अरे फिगर बनाती मेरे को एक और चीज याद आई। याद है रैंडम पोजीशन का डायरेक्शन ऑफ एंगल भी निकाला था मैंने। ये फाई की वैल्यू निकाली थी मैंने। ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा प्लस टैन इनवर्स थीटा बाई 2, ठीक है? ये हम अपन फिगर बना रहे हैं जो हमने अभी फॉर्मूले लिखे उनके। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, रैंडम उसका एंगल बताना आना चाहिए। और ये तो हो गया पहला और दूसरा फॉर्मूला, पहला और दूसरे फॉर्मूले की फिगर। तीसरा फॉर्मूला, पहला दूसरा और चौथा फॉर्मूला की फिगर ये हो गई। और जो तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला कहते हैं जैसे सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसके अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो बच्चों ये चीज समझना कि नॉर्थ पोल पर फोर्स आगे लगेगा, साउथ पोल पर फोर्स पीछे लगेगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे आगे फोर्स लगाएगा, साउथ पोल पर पीछे लगाएगा। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये थर्ड फॉर्मूले की फिगर बना रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो है, बट नेट टॉर्क नहीं है। नेट टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, एम क्रॉस बी। इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, एम वेक्टर, ब्लैक से लिखता हूं, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा एम वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बी वेक्टर, और इनके बीच एंगल कुछ है थीटा। तो m क्रॉस b का मतलब है m इंटू बी इंटू साइन थीटा। जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, पर बाकी सारे केसेस में इस टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप मैग्नेट को इस पोजीशन में छोड़ोगे तो वो ऐसे रुके नहीं रहेगी, घूम के सीधी हो जाएगी। तुम लोगों ने वो डाइपोल वाली वीडियो देखी जो मैंने भेजी थी? हद ना लायक लोग, मतलब दुनिया का खाक देखी हुई वीडियो, मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं देखते मेरी। देखो डाइपोल वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज दिखाई थी, मतलब दिखाने की कोशिश तो की थी डाइपोल। अरे कौन सी वीडियो लग गई, ये तो क्लासरूम रिकॉर्डिंग है। नहीं क्लासरूम रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्लासरूम रिकॉर्डिंग लग रही है, गलत वीडियो अपलोड कर दी क्या डाइपोल पे मैंने? नहीं हाँ ये रहा। तुम लोगों को आवाज आ रही है इसकी? आवाज नहीं आ रही, अच्छी बात है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ कि डाइपोल पे फोर्स लगता है। देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसको पॉज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पर फोर्स आगे, अरे अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इस पर, सॉरी, एक चार्ज पर फोर्स आगे लगेगा दूसरे पर पीछे लगेगा। ये बात समझ में आती है? इस वाले चार्ज पर फोर्स आगे लगेगा और दूसरे वाले पर पीछे लगेगा। अगर मैंने इसको एंगल पर रख दिया तो इस पर फोर्स आगे लगेगा QE और इस वाले पर फोर्स पीछे लगेगा QE, एक्चुअली माइनस QE लगेगा, पर माइनस के लिए मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी। अब अगर ये डिस्टेंस AA गिवन है और ये थीटा गिवन है तो इसको ये रोटेट कर देगा, ठीक है। तो मैंने एक यार वो बना के दिखाया था, मेरे को जो चीज बतानी है मेरे को SHM बताना है कि SHM पर क्वेश्चन आते हैं। मैं बहुत ही जल्दी में बता गया मैं उसको कि डाइपोल को अगर तुम इस तरह से एंगल पे रोक के रखते हो अपने फोर्स से तो जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे उसका SHM होता है और वो तेजी से घूम के अपनी जगह पर वापस आता है। सॉरी यार वो आया नहीं ठीक से, मैं इधर नहीं करके दिखा सकता। तो anyway, इस पर क्वेश्चन बनता है किस पर, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है ये m क्रॉस b और वैल्यू लिखी जा सकती है एम बी साइन थीटा, ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ साउंड आ रहा है ना। हाँ तो इस पर एक चीज बता देता हूं मैं, ये लिखी लिया होगा सबने, ये वाला डायग्राम बना लिया सबने, इसको बना लो। जो मैंने चार फॉर्मूले लिखा है उनकी फिगर से,
ये ड्रॉ कर लिया सबने? वेरी गुड वेरी गुड, इसको हटा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आता है, एक रॉड है, रॉड नहीं है सॉरी, एक मैग्नेट है, इसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है, और इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये बच्चों इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें रख दिया। बी इज इक्वल्स टू बी आई कैप, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है। जिस टेबल पे रखा हुआ है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। द मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। क्वेश्चन ये है, इफ इट इज डिस्टर्ब्ड, अगर मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, कैलकुलेट, क्या क्वेश्चन होगा? कोई गेस कर सकता है कि क्या होगा क्वेश्चन इसके आगे? अगर मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो क्या, व्हाट कैन बी आस्क्ड? टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग SHM, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग SHM, लिख लेना, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ SHM। कोई चीज इक्विलिब्रियम में रखी हुई है राइट नाउ, उस पर नेट टॉर्क जीरो है। क्यों टॉर्क जीरो है? क्योंकि नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ और साउथ पोल पर पीछे की तरफ, अभी इस पर कोई टॉर्क नहीं है, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ये चीज सबको देख के समझ में आती है ना? अगर आपके दोनों हाथ, आपके दो दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में खींचे तो आप रोटेट नहीं करोगे, अपनी जगह खड़े रहोगे। लेकिन आपका हाथ पकड़ के एक दोस्त आगे की तरफ खींचे और दूसरा पीछे की तरफ, तो आप रोटेट कर जाओगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? आई होप समझ में आती है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया मतलब इसको ऐसे कर दिया एंगल पे, ठीक है, नॉर्थ साउथ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ तुम्हें समझ में आती है या नहीं। थोड़ा सा बच्चों ऐसे रोटेट कर दिया तो कौन बताएगा मुझे? राहुल आप बताओगे, अगर थोड़ा सा रोटेट कर दिया थीटा डिग्री से तो ये किस तरफ रोटेट होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जैसे रोटेट करके छोड़ेंगे, रोटेट करके क्लॉकवाइज रोटेट होगी, रोटेट होते हुए ऐसे अपनी जगह पर आएगी और फिर आगे निकल जाएगी क्योंकि वेलोसिटी आ चुकी होगी, और फिर आगे जाके फिर से वापस आएगी, और इस तरह से इसका SHM ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है सबको? क्वेश्चन लिख लो यहाँ तक, फिर मैं थोड़ा रब करके सॉल्व करके दिखाऊंगा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं।
कुछ नहीं, क्वेश्चन लिख लिया तुमने? बस बोल दिया करो सर, हो गया डन कुछ भी। इसका टाइम पीरियड निकालना है, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर टॉर्क लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला है एम क्रॉस बी, जिसको हम लिख सकते हैं mb sin थीटा। और अगर आप लोगों को याद हो कि नेट टॉर्क की वैल्यू हमेशा होती थी i alpha k। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर मैकेनिक्स नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम जब रिवाइज करेंगे तब बता दूंगा, पर फॉर्मूला अभी डिराइव करवा दूं। mb, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। किसी को पता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट इट्स मिड पॉइंट इनटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ गई 12 mb अपॉन, या एक काम करते हैं आई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, उसी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा आ जाएगा फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई mb अपॉन आई इंटू थीटा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं a = ω² x से। जो चीज यहां पर आई अंदर वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। आई अंडरस्टैंड कि मैकेनिक्स ज्यादातर लोग भूल गए होंगे और मुझे रिवाइज करानी पड़ेगी वापस से, लेकिन फिर भी। और टाइम पीरियड जो SHM का होता है वो हमेशा 2π/ω होता है, तो फॉर्मूला इज 2π√i/mb। अगेन वन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि द डेरिवेशन इज लॉन्ग। टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड इज 2π√i/mb। इसको लिख लो बड़ा बड़ा, मैं ही लिख देता हूँ। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√i/mb। दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर CBSE also, I think. ओके, यहां पर I क्या है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डन, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है टॉपिक, पूरा आप डिराइव नहीं कर सकते इतने सारे फॉर्मूले, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, जो टॉर्क का फॉर्मूला है क्या, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। This will save you a lot of time. कैसे दिखाता हूं, मान लो
दिस इज अ करंट कैरिंग स्क्वायर, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इधर 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 इधर, एल लेंथ है, साइड लेंथ सारी एल लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। चलो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, लेट्स से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये बच्चों इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल, किसी बड़ी सी मैग्नेट ने ये मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है सब जगह पर, यहां पर भी यहां पर भी, ओके okay? इस वायर के अपने, वेरी गुड, कोई बात नहीं, मुझे आती है, इसकी लैपटॉप छुपा दी हमने। हाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो इससे पहले कि तुम सो जाओ, मुझे पूछने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ भाई, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स का क्या फॉर्मूला है नैनी, आप बताओ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितना होता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लाओ दिमाग में जल्दी से, नहीं याद आ रहा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है आगे याद, आई एल क्रॉस बी, रिदम, इनके नाम कुछ नाम दे रहा हूं मैं रैंडम, पी क्यू आर एस, पी क्यू के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ, ये रहा फॉर्मूला, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, पी क्यू के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, आई क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, बी की तरफ रोटेट करो, थंब की डायरेक्शन बताओ मुझे, राहुल तुमसे क्यू आर पर फोर्स की डायरेक्शन पूछूंगा मैं, आकाश आर एस, आदित्य एस पी, एस पी पे, एक सेकेंड, एस पी पे किधर बता रहे हो तुम आदित्य, मतलब तुमने करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और किस तरफ रोटेट किया फिंगर्स को, अंदर की तरफ, क्यों रोटेट किया, कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स आया तुम्हारा लेफ्ट साइड पे, तेरा ऊपर की साइड आएगा, बहुत बढ़िया, राइट साइड इस पर आया होगा और नीचे की तरफ आया होगा आकाश का, आई थिंक आकाश यू देयर, आ गया फोर्स की डायरेक्शन समझ में बच्चों, ये चारों फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो चलो होता ही है, नेट फोर्स तो मैग्नेट पर या मैग्नेटिक डायपोल पर जीरो ही होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस केस में नेट टॉर्क जीरो है या नॉन जीरो है, क्या ये रोटेट करेगी, अगर स्क्वायर के चारों साइड्स को बाहर की तरफ खींचो, आई थिंक ये रोटेट नहीं करेगी, तुम लोगों को क्या लगता है, नहीं करेगा ये रोटेट, अब या तो तुम चारों फोर्स लिख के फिर देखो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एम क्रॉस बी, एम क्या होता है बच्चों, एन आई ए क्रॉस बी, याद आ गया करंट कैरिंग लूप का अभी लिखाया था, एन आई ए क्रॉस बी, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस में, एरिया वेक्टर, एरिया कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, और एरिया वेक्टर बताया था जिस प्लेन में एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी किस डायरेक्शन में हो गया, जेड डायरेक्शन, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, जीरो, कुछ फिजिक्स समझ में आ रही है या ज्यादा, एरिया वेक्टर भी जेड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है,
उनका दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम बचाएगा, मानो इस बात को, भले ही थोड़ा टफ लगे अभी, लेकिन इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन क्वेश्चंस। चलो फटाफट लिखो इसको पहले एग्जांपल को, ठीक है। नेट टॉर्क फोर्सेस से भी जीरो दिखना चाहिए तुमको और एम क्रॉस बी से भी दिखना चाहिए, क्योंकि गॉड नोज तुमको एग्जाम में कौन सी चीज उस टाइम दिमाग में आएगी, और जो भी आएगी उसी से वहीं डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हो तुम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। यही प्रॉब्लम है फिजिक्स की, हर चीज किसी और चीज से रिलेटेड है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, अगर पैरेलल है तो थीटा जीरो और साइन जीरो होता है जीरो, हेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। चलो इसको हटा रहा हूं, ठीक है। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में जो कुछ सिखाया है वो टेस्ट हो जाएगा अभी के अभी। ये रहा करंट कैरिंग लूप, फिर से वैसा ही लूप है, वैसा ही नहीं लेते, नॉट एकदम। लेट्स टेक इट अ रेक्टेंगल दिस टाइम, लेट्स टेक दिस अ रेक्टेंगल, ओके। लेट्स से करंट इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में। लेंथ है इसकी ए और विड्थ है बी, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड है आगे की तरफ है, समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड 99% केसेस में अंदर और बाहर की तरफ होता है, पर मैंने पहले भी मेंशन किया है कि कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में भी आ जाता है, तो डोंट थिंक कि मैग्नेटिक फील्ड कभी सेम प्लेन में नहीं हो सकता, हो सकता। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी आई कैप, दिस इज एन एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, ठीक है। सब लोग तैयार हो जाना आंसर देने के लिए, पी क्यू आर एस, नैनी पी क्यू के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। आई एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, नैनी पी क्यू के ऊपर, रिदम क्यू आर के ऊपर, आकाश आर एस के ऊपर और राहुल एस पी के ऊपर। ट्वेल्थ वाले बच्चे बताएंगे आंसर, आज तुमको अब ट्वेल्थ में काउंट नहीं करेंगे, होपफुली पास हो ही जाओगे। रिजल्ट, रिजल्ट का कब, अच्छा रिजल्ट तो आ गया ना बोर्ड का, कितना आया, आया तुमने बताया था। साहिल का नहीं, साहिल का तो पिछले साल ही आ गया, ठीक है ठीक है। यार उसका कितना आया, दूसरे आदित्य का, किसी को पता है, साहिल तेरी बात है इससे, PQ, PQ पर फोर्स की डायरेक्शन नैनी को बतानी है, हाँ तो बोल दो खुशी खुशी कि तुमको अच्छा ऑप्शन मिला है बताने के लिए। PQ पर फोर्स जीरो होगा, क्यों, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो L क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर से जीरो। QR पर फोर्स जीरो नहीं होगा, QR किसको दिया था मैंने, रिदम को, रिदम QR पर फोर्स की डायरेक्शन, आई एल क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, फिंगर्स किधर रखनी है बेटा, करंट की डायरेक्शन में, और किस तरफ रोटेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे करोगे, कैसे करोगे, नीचे से राइट साइड फिंगर्स को रोटेट कर पाए या नहीं कर पाए। आई थिंक अगर ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ इसको रुकना, अरे ऊपर से लेफ्ट साइड हो गया, ऊपर से लेफ्ट साइड और नीचे से राइट साइड सेम आंसर देगा, हाँ
नीचे से राइट साइड, समझ में आया? अरे अभी भी नहीं हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी लोग देख लो भाई, इसको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। ये रहा, नीचे से राइट साइड फिंगर्स को रोटेट किया, एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, फोर्स आया बाहर की तरफ। क्या ये सबको समझ में आया खुद से? वेरी गुड। हाँ ऊपर मतलब, हाँ मतलब बाहर, आउट ऑफ द प्लेन बोल सकता हूँ, ठीक है। इस पर फोर्स लगा एफ टू, ये बाहर की तरफ है, के कैप डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू होगी आई एल बी। अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गई, आई तो आई है, लेंथ इसकी कितनी है वो भी बी है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो भी बी है, पर समझ में आ जाएगी बात। आई एल बी साइन 90, ठीक है। तो आई बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी साइन 90 तो वन ही होता है, डायरेक्शन कौन सी आई, के कैप। क्या ये चीज सबको समझ में आई? इस वाले वायर पर फोर्स जीरो, पर इस वाले वायर पर फोर्स बाहर की तरफ। तो फिर आकाश का तो इजी हो गया, आकाश आर एस पे फोर्स की डायरेक्शन, आकाश यू देर? यस, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। और लास्ट में कौन बचा? राहुल, एफ एस पी पे डायरेक्शन, सोच पाए? ऊपर से आगे की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है, ऊपर की तरफ फिंगर्स को रखो, आगे की तरफ रोटेट करो, पाम को मूव मत करा करो, रोटेट करते टाइम पाम मूव नहीं होना चाहिए और फिंगर्स रोटेट हो जाए। कैसे रखोगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, देखना मैं करके दिखाता हूं। ऊपर से आगे की तरफ, वाई से एक्स की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है, समझ रहे हो? ऐसे भी सोच सकते हो अगर फास्ट हो तो, वाई से एक्स की तरफ, यानी वाई क्या होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप करना है, जे क्रॉस आई क्या होगा बच्चों, माइनस के। कितना आया फोर्स? आई बी बी साइन 90, दैट इज आई बी बी माइनस के कैप। नेट फोर्स अभी भी जीरो है, दो पर तो जीरो है और इन दो पे अपोजिट है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्या ये सबको समझ में आने लग गया? इस केस में टॉर्क जीरो नहीं होगा। दिस इज अ वेरी बैड एंड लॉन्ग मेथड, ऐसे ना करना पड़े तो ही अच्छा है। और मजे की बात यह कि एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे को एम क्रॉस बी याद नहीं रहता था, तो मेरे को फोर्स का फॉर्मूला बड़े मुश्किल से याद हुआ था, तो मैं उसी से करता रहता था, ठीक है। तो अब अगर इस पर कोई पूछे कि टॉर्क निकालना है, तो सोचो ये कैसे फ्लिप होगा, किस तरह से रोटेट करेगा ये। तुम्हारे मोबाइल को राइट साइड से पकड़ो, लेफ्ट साइड से पकड़ो, लेफ्ट राइट साइड वाले पर बाहर की तरफ फोर्स लगाओ और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, तो रोटेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ज्यादा जोर से मत लगाना, समझ में आ रहा है रोटेशन कैसा होगा सबको? तो इस केस में ये रोटेट हो जाएगा, ये वाली साइड बाहर की तरफ आ जाएगी और ये वाली साइड अंदर की तरफ आ जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं कितनी भी कोशिश करूं इसका रोटेशन मैं बना पाऊंगा क्या? हाँ बना लूंगा, बना लूंगा। ऐसा इस तरह से रोटेट हो गया, ये वाली साइड बाहर की तरफ आएगी और ये वाली साइड अंदर की तरफ जाएगी, समझ में आया सबको? टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स की सेंटर से डिस्टेंस है a/2 a/2, तो टॉर्क होगा आई बी बी इंटू a/2, अनायशा साइलेंट, प्लस आई बी बी इंटू a/2, फोर्स अपोजिट है पर टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। आंसर आया आई बी बी ए। दिस इज अ वेरी बैड वे ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते थे, इस पूरी कॉइल का एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स वन दिया हुआ है तो ये एन आई ए क्या हो गया एम, ये क्या हो गया बी, और इस बार एम और बी के बीच 90 डिग्री है, तो साइन 90। टेक्निकली हमने क्या लिखा है, एम क्रॉस बी। यहां से यहां तक पहुंचना 1 सेकंड का खेल है, और यहां से यहां तक आना मैं बैंड बज जाएगी तुम्हारी। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों एम क्रॉस बी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? तो पहले तुम इस तरीके से लिख लो आंसर, हमारा ये आंसर आया, और फिर मैं दूसरे तरीके से एक लाइन में लिख के बता दूंगा कि तुमको एग्जाम में फोर्स से नहीं करना चाहिए, एम क्रॉस बी से करना चाहिए।
लिख लो पहले मेथड वन करके लिख लो। मेथड वन सीखना भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी टॉर्क नहीं पूछते, इंडिविजुअल वायर पे फोर्स की डायरेक्शन पूछते हैं। इस चैप्टर में वैल्यूज पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन पर ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट इट डाउन। सर पे गिरा था अंशी, न्यूटन के। किसके? एप्पल किसके सर पे गिरता है? न्यूटन। बोलो न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन की स्पेलिंग बोलो। NEWNEWTON बोलो। बोलो ना स्पेलिंग न्यूटन। NEWTON बोलो। न्यूटन की स्पेलिंग क्यों गिरती है नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बोलो ग्रेविटी। नेक्स्ट का तो मैं सर खा जाऊंगा। हाँ भाई, हाँ ठीक है, फोर्स देखना सीख लो भाई। राइट हैंड थंब रूल, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं है इतना पूरा लेंथी क्वेश्चन ही पूछा जाए। देयर इज अ गुड चांस कि तुमसे चार में से एक वायर पे फोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू पूछी जाए, उतना तो कैलकुलेट डेफिनेटली कर ही सकते हो तुम। और टॉर्क कैसे निकालना है? एम क्रॉस बी। एम क्या है? एम किसके बराबर है? एन आई ए के बराबर। क्रॉस बी, एन तो दिया नहीं है, नहीं दिया है तो वन, आई की वैल्यू आई। एरिया इस कॉइल का कितना होगा बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ। और डायरेक्शन क्या होगी? ये एरिया का कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन है तो इसका डायरेक्शन होगी कौन सी? जेड या माइनस जेड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी जेड या माइनस जेड। आपको कैसे देखना है? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ और थंब दिखेगा तुम्हें अंदर की तरफ जाता हुआ, तो माइनस के कैप। ये हो गया आपका एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है? बी आई कैप। ठीक है, तो कम से कम वैल्यू तो आई ए बी बी ये आई गई, और माइनस का के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होता है जे, तो ये हो गया आई ए बी बी माइनस का जे कैप। मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू ही पूछा होगा जो हमारी फटाफट आ गई आई ए बी बी। तो दिस इज मेथड टू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस टफनेस पर मेरे से भी सॉल्व नहीं होते थे एज ए स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम एंड सम एफर्ट टू गेट दिस इनटू योर माइंड। वी आर डूइंग थिंग्स जिनको हम देख नहीं सकते, एम वेक्टर दिखाई नहीं देता, होता है दिखाई नहीं देता। वी आर डूइंग एट मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम फील नहीं कर सकते, जो सीधा सीधा फोर्स भी नहीं लगाता। कैसे फोर्स लगाता है? क्यू वी क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी। तो देर इज अ लॉट ऑफ डायरेक्शन बट इट इज डूएबल। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, खुद से ट्राई करो, नहीं तो पूछो। गूगल भी सेफ नहीं है? अरे गूगल सबसे ज्यादा सेफ तो मान ही सकते हैं।
गूगल के पास सारे पासवर्ड तो वैसे ही है भाई, हमारे हमारे सारे पासवर्ड गूगल के पास है। अगर गूगल चाहे तो एक दिन में अकाउंट खाली कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये बताओ, पूरी दुनिया के सबका पासवर्ड रिट्रीवल गूगल मेल पे ही है, तो गूगल एक दिन में लिटरली पूरी दुनिया के पैसे खायब कर सकता है। तो फिर ठीक है, वो सबको लूट वैसे ही सकता है, उससे हम बच नहीं सकते। सारे पासवर्ड उसके पास सेव्ड हैं, हम परमिशन नहीं देते मान लो पासवर्ड सेव करने की, अगर वो करना चाहे तो बैकएंड पे कर सकता है ना, हम क्या बिगाड़ लेंगे, पता चल रहा है कुछ है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अच्छा तो माइक्रोसॉफ्ट वाले सेव नहीं करेंगे आपका पासवर्ड, बैकएंड पे तो कर ही सकते हैं, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, अपन रोक सकते हैं उनको, नहीं करेगा भाई ये बड़ी वाली कंपनीज कभी नहीं करेंगी, मतलब जानबूझ के तो नहीं करेंगी, कोई और हैक करे तो करे। एनीवे मेरे को लास्ट क्वेश्चन बस पूछना है आज का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दिस इज ग्राउंड, इस पर एक कॉयल रखी हुई है, इस कॉयल में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है इस कॉयल में, तो इस पर और मैग्नेटिक फील्ड मैंने स्विच ऑन कर दिया इस डायरेक्शन में, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं मैग्नेटिक क्वेश्चन लिखो, इफ द रेडियस ऑफ द रिंग इज आर, इफ द रेडियस ऑफ द रिंग इज आर एंड वी कीप इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and we keep increasing the value of magnetic field, the ring will eventually flip over the ring will eventually flip over about point dot 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 के options हैं, PQRS, PQRS में से किस point के about ये ring पलट जाएगी, मतलब जमीन पर रखी हुई ring अपने आप उठने लग जाएगी और उठ के उस point के about पलट के दूसरी तरफ गिर जाएगी। You have to solve it on your own. So you have to revise this lecture, maybe the whole lecture. Watch the video again. Watch the video again, revise the notes, and then try to figure this one out. ये तुम्हारा homework है, कल discuss करेंगे इसको, ठीक है, same time. ठीक है, ये जेई लेवल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। देखते हैं, अभी मैं आंसर नहीं बताना चाह रहा और मुझे पता भी नहीं है, मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेट्स सी, फोर्स से भी कर सकते हो, टॉर्क से भी कर सकते हो, मैं तो दोनों से करके बताऊंगा ही, ठीक है। ठीक है, दिस वॉज द टफेस्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद टफनेस ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, इसके बाद हम वापस बेसिक्स पर आ जाएंगे कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है और वापस से चीजों की डेफिनेशन पर आएंगे। तो ये क्लास को
प्लीज रिपीट ना एक बार, अदरवाइज डरते रहोगे। मैं तो हमेशा डरता रहता इस क्लास, ठीक है।